शोल्डर से चेस्ट लेवल पे ले आइए आर्म्स को, तीन स्टेप पीछे चले जाइए, 1 2 3। थोड़ा सा लेवल को डाउन कर रहे हैं, 45 एंगल पे लेकर आ रहे हैं। आर्म्स की पोजीशन वही रहेगी आपकी शोल्डर टू पैरेलल। सेट लाओगे, क्रिस क्रॉस कर सकते हो लेग्स और नॉर्मल भी रख सकते हो। थोड़ा सा आगे आना है और स्टार्ट करो, एल्बो को टच रखना है अंदर की तरफ, बॉडी आगे ले जानी है हल्की सी, डाउन प्रेस, डाउन प्रेस, नेगेटिव स्लो और फास्ट अप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलमैन फिटनेस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला बिगनर्स के लिए पुशअप्स कैसे लगाए जाते हैं। इस पूरी वीडियो में दिखाया जाएगा फुल डिटेल के साथ कि पुशअप्स को किस तरीके से लगाया जाता है, एक एक चीज पे काम किया जाएगा, एक एक चीज पे ध्यान दिया जाएगा और इस पुशअप्स को कौन कौन लगा सकता है, क्या इस पुशअप्स को ओवरवेट भी लगा सकते हैं। पर ये वीडियो जो होने वाली है ये सभी के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक वॉल की सपोर्ट चाहिए होगी। वॉल की सपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उस पर पुशअप कैसे लगा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से पुशअप करना है और उस पुशअप को आपको कम से कम एक वीक तक उसी को कंटिन्यू आपको फॉलो करना होगा। सो गाइस, जो पहली एक्सरसाइज है मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो करने वाली है वॉल पे। अभी मेरे पास वॉल नहीं ट्री है, तो क्या रखना है आपने, आपने जो हैंड की पोजीशन रखनी है, अपने शोल्डर टू पहले रखनी है। आपने ये ले ली पोजीशन, ये पोजीशन से आप वॉल के पास चले जाइए और शोल्डर से चेस्ट लेवल पर ले आइए आर्म्स को, तीन स्टेप पीछे चले जाइए, 1 2 3 एंड अपने पुशअप को स्टार्ट करो। 1 हेड अप और चिन अप को हमेशा ध्यान रखना है, चिन अप रहेगी आपकी अप। और इसके आपके जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है वो रखने हैं आपको 12 से 15। एल्बो को फ्लेयर नहीं रखना, तो एल्बो अंदर रहेगी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पुशअप्स का जो लेवल बढ़ चुका है, अब आप देख सकते हो उसको, पुशअप्स को आपको लगाना होगा। एक बेंच लेना होगा या फिर आपके घर में कोई सोफा है उसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्लाइन रखना पड़ेगा। फ्लैट से हम आ गए अभी 45 के एंगल पे आ गए, इस एंगल पे आपको पुशअप लगा के दिखाऊंगा और कैसे लगाने वो भी दिखाऊंगा, कितने सेट्स होने वाले और कितने रेपिटेशन के साथ करेंगे। सो जो नेक्स्ट वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा सा इंक्लाइन के लिए। हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया जिसमें था हमारा वॉल पुशअप्स, आप थोड़ा सा लेवल को डाउन कर रहे हैं, 45 एंगल पे लेकर आ रहे हैं। आर्म्स की पोजीशन वही रहेगी आपकी शोल्डर टू पैरेलल और अपना एंगल सेट रखना है, बम को नीचे नहीं, बम को स्टेबल रखना है और पूरी बॉडी आपकी ब्रिज और स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये लिया चिन अप, हेलो फ्लेयर है, इन करो उसको, 1 2 3 4 5 6। तो इसी ऑर्डर में आपको पुशअप्स को कंप्लीट करना होगा। तो अभी चलते हैं हम फ्लैट और स्टैंडर्ड पुशअप्स है, उससे पहले हम दिखाएंगे आपको मॉडिफाइड पुशअप्स जो कि स्टैंडर्ड पुशअप्स से ही पहले आते हैं। तो चलते हैं। सो अभी हम करने वाले मॉडिफाइड पुशअप्स, जिसे बेबी पुशअप भी कहा जाता है जिम लाइन में। इसमें आपको नीज पे पुशअप्स को करना होगा और आपको वही जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, शोल्डर टू पहले रखने हैं अपने आर्म्स को। सेट लाओगे, क्रिस क्रॉस कर सकते हो लेग्स और नॉर्मल भी रख सकते हो, थोड़ा सा आगे आना है और स्टार्ट करो, एल्बो को टच रखना है अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5 6। इसके भी आपको 12 से 15 रेपिटेशन करने होंगे और 3 से 4 सेट। तो अगर आपने वॉल पुशअप्स और इंक्लाइन बेंच पुशअप्स कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखाऊंगा जो फ्लैट पुशअप्स है। अब आ गए हम फ्लैट पुशअप्स पे, जो कि बेसिक और नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप्स होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मारे जाते हैं और क्या फॉर्म होती है उसकी फॉर्मेशन। तो देखिए, सो भी आपने देख लिया होगा वॉल पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स और मॉडिफाइड बेबी पुशअप्स। अब जो लास्ट बचे हैं पुशअप्स है वो है स्टैंडर्ड पुशअप, जिनको बेसिकली बेसिक पुशअप भी कहा जाता है, जो नॉर्मल हर बंदा अपने वर्कआउट में ऐड करता है। वो पुशअप्स अभी करने वाले हैं, आइए पास आ जाइए थोड़ा सा। वही पोजीशन सेट करनी है आर्म्स की आपको, टोज पे हेड अप चिन अप और एल्बो इन, ये एल्बो को इन रखना है, ठीक है। बॉडी आगे ले जानी है हल्की सी, डाउन प्रेस, डाउन प्रेस, नेगेटिव स्लो और फास्ट अप। सो इसके भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और 3 से 4 सेट। तो ये वीडियो के अंदर जो आपको वर्कआउट दिखाया गया है, आप इसको इसी ऑर्डर में फॉलो करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना 4 से 5 वीक तक, तभी आपका जो चेस्ट में ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी और आप अपने पुशअप्स को कम्प्लीटली परफेक्टली कर सकते हो, वॉल पुशअप टू स्टैंडर्ड बेसिक पुशअप तक। सो जैसा कि आपने देखा इस पूरी वीडियो में फ्लैट से लेके इंक्लाइन और डिक्लाइन, इसमें सारा कवरअप हो चुका है और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो बिगनर्स कर सकते हैं।
वो आपने देख चुके हो। अब आप अपने पुशअप्स को कम्प्लीटली लगा सकते हो, स्टैंडर्ड पुशअप लगा सकते हो, बेसिक पुशअप, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से दिखाया है, फ्लैट से लेके इंक्लाइन टू डिक्लाइन फ्लैट तक सब दिखा दिया इसमें। तो इस वर्कआउट को फॉलो जरूर करना, एटलीस्ट आपको 1 से 2 वीक लगेगा, 2 से 3 वीक भी लग सकता है, पर इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना तो आपको फर्क जरूर दिखेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कैलमेन फिटनेस, मिलते हैं अगली वीडियो में।